हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल प्लेटफॉर्म बाय अनूप श्रीवास्तव। आज की इस वीडियो में प्राकृतिक संख्याओं अर्थात नेचुरल नंबर्स, क्रमागत नेचुरल संख्याएं जो होती हैं, क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं आज इस वीडियो में सीखेंगे। सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स अर्थात जो क्रमागत संख्याएं होती हैं, अर्थात जो काउंटिंग होती है 1 2 3 4। नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5, अर्थात जो क्रमागत संख्याएं होती है, जो क्रम से होती हैं और 1 से स्टार्ट होती है। कहां से स्टार्ट होती हैं? 1 से स्टार्ट होती हैं, उन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जो है क्रमागत संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे उसका मैं फार्मूला लेके आया हूं। यदि ये वीडियो आप सभी फ्रेंड्स को अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और रिंग बेल को भी जरूर प्रेस करें ताकि हमारी सारी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले हमने सीखा नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे करके जो भी हमारी क्रम से डिजिट आती जाएंगी, अर्थात क्रम से जो संख्याएं आती जाएंगी, जो नंबर्स कंटिन्यू आते जाएंगे, उनको क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स, अर्थात हिंदी में बोले तो प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। और इन प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं, क्रमागत संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं, अर्थात नेचुरल नंबर्स का जो सम होता है वो कैसे फाइंड करते हैं, उसका सॉल्यूशन जो है आप इस वीडियो में देखोगे। फार्मूला की बात करें तो s इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज अपॉन 2। s का मतलब होता है सम ऑफ टोटल नंबर्स, अर्थात s का जो मतलब होता है हमें जो है टोटल करना है। n का मतलब होता है टोटल नंबर्स ऑफ टर्म्स, जितने भी नंबर्स टोटल होते हैं, जितने भी नंबरों का हम योग निकालेंगे, जितनी भी डिजिट होंगी उसको हम क्या मानते हैं? एन मानते हैं। हम यहां पर एन को जो है ये भी कह सकते हैं कि अंतिम संख्या या लास्ट नंबर भी कह सकते हैं। आप चाहे एन को लास्ट नंबर मान लो या टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मान लो, दोनों का जो है मतलब एक ही है। तो शुरू करते हैं। अब जैसे क्वेश्चन है हाउ टू फाइंड सम 1 to 10, अर्थात क्रमागत संख्याएं हैं 1 से 10 तक, यानी 1 से 10 तक का योग कैसे निकालेंगे, सम कैसे निकालेंगे, 1 से लेकर 10 तक का प्लस कितना होता है, हमें ये निकालना है। तो 1 से 10 का तो हम निकाल लेंगे बड़ा जल्दी, लेकिन जो फिर कह दिया जाए कि 1 से 100 का निकालो तो बिना फार्मूला के बहुत टाइम लगेगा निकालने में, इसलिए फार्मूले से कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिए। पहला है 1 से लेके क्रमागत 10 तक, इनका हमें क्या करना है? सम फाइंड करना है, इनका योग फाइंड करना है। इसका सॉल्यूशन जो है सबसे पहले हम क्या लिखेंगे अपना फार्मूला। सम इक्वल टू क्या होता है? n ब्रैकेट में n प्लस 1 डिवाइड कितने से करना है? 2 से। इस फार्मूले में हमें जो है अब जो है इस टर्म को रखना है। कैसे? सम इक्वल टू अर्थात s इक्वल टू n का मतलब क्या, और टोटल कितने डिजिट है, 1 से लेकर 10 तक की बात कर रहा है तो 10 डिजिट हुई, या अपने मन में याद रख लीजिए लास्ट डिजिट को, लास्ट डिजिट को अर्थात टोटल कितने डिजिट है, 10 डिजिट, इसे हम लास्ट डिजिट भी बोल सकते हैं। तो n की जगह क्या रखना है हमें? 10 रखना है, ब्रैकेट में n की जगह कितना रखना है? 10 रखना है, प्लस 1 की जगह 1 ही रहेगा, ब्रैकेट क्लोज 2 से डिवाइड करेंगे। अब देखेंगे 1 से 10 तक का प्लस कैसे करना है, योग कैसे निकालना है, सम कैसे निकालना है। अब यहां पर क्या दिया हुआ है? s इक्वल टू 10, ब्रैकेट हटाएंगे, इंटू 10 प्लस 1 कितना होता है? 11 होता है, डिवाइड कितने से करना है? 2 से करना है। s इक्वल टू, अब ध्यान देंगे इसका जो है मल्टीपल करेंगे, तो इसका जब मल्टीपल करेंगे 11 टेन जा या 10 11 जा कितना हो गया? 110 हो गया। डिवाइड कितने से करना है? 2 से डिवाइड करना है। अब जो है 2 से आप जो है 110 में
डिवाइड कर लीजिए, 2 5 10 माइनस करेंगे 1 आया, ऊपर से क्या ले लिया 0, यहां पे क्या है 2 5 10। अब जो है नेक्स्ट कुछ नहीं है तो यहां पर काट देंगे, हमारा जो आंसर निकल के आया कितना आया 55। इस तरह से हमने 1 से लेकर 10 तक का योग निकाल लिया, 1 से लेकर 10 तक क्रमागत संख्याओं का सम निकाल लिया, अर्थात हमें ऐसे गिनने की जरूरत नहीं पड़ी, हमें एक दूसरे को प्लस नहीं करना पड़ा, हमने फार्मूले में रख के हमने इसका जो है सम निकाल लिया, इसका योग निकाल लिया। हमें क्या केवल लेना था, केवल लास्ट की डिजिट से मतलब था, और हमने 1 से लेकर 10 तक के प्लस करेंगे तो कितना आया 55। इसी तरह से अब आप देखिए दूसरे वाले को कैसे करेंगे, अब आप देखिए दूसरा है 1 से लेके 20 तक का प्लस कैसे करेंगे, आपको कह दिया जाए आप जो है 1 से 20 तक का जो है प्लस निकालिए, 1 से 20 तक की जितनी भी नंबर्स हैं 1 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 इन सबको प्लस कर दीजिए तो आपको बहुत टाइम लगेगा। अब फार्मूले में रखेंगे, देखिए कितनी जल्दी आता है। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और रिंग बेल को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी सारी वीडियो आपके यूट्यूब पर आ सके। नेक्स्ट है 1 से 20 तक का निकालना है। सबसे पहले s इक्वल टू क्या दिया है, n ब्रैकेट में n प्लस 1 और डिवाइड कितने से करना है, 2 से डिवाइड करना है। s इक्वल टू अर्थात सम इक्वल टू n की जगह लास्ट वाली डिजिट क्या है, अर्थात हमारे टोटल नंबर कितने हैं 20 है, कितने हैं यहां पर क्या लिखेंगे 20 ब्रैकेट में n की जगह क्या लिखेंगे 20 और प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज करेंगे, डिवाइड करेंगे कितने से करेंगे डिवाइड, 2 से करेंगे डिवाइड। सम इक्वल टू 20 ब्रैकेट हटाएंगे इंटू 20 में प्लस 1 करेंगे 21 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे 2 से। सम इक्वल टू अब मल्टीपल कर लेंगे 20 इंटू 21 100 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 4 कितना आया 024 कितना आ गया 420 आ गया 420 नीचे क्या आ गया 2 आ गया, डिवाइड कर लो या यहीं पर से काट दो, काटेंगे 2 1 2 2 2 4 2 1 2 2 0 0 2 2 4 2 1 2 2 0 0 अर्थात आंसर क्या निकल के आया 210। अर्थात 1 से लेकर 20 तक की सारी क्रमागत संख्याओं का प्लस कितना होगा, योग कितना होगा, सम कितना होगा, 1 से 20 तक की डिजिट का सम कितना निकल के आया 210 करेंगे 210। तो इस तरह से हमने 1 से 20 तक क्रमागत संख्याएं जो होती है अर्थात जो कॉन्टिन्यू नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं 1 से 20 तक, उनका जो है हमने सम निकाला। नेक्स्ट है थर्ड 1 से लेकर 50 तक। अब ध्यान देंगे 1 से लेकर 50 तक अगर आपसे कह दिया जाए 1 से 50 तक का प्लस कितना होगा, आप सोचोगे यदि इस फार्मूले में आप रख के तुरंत निकाल सकते हो, कैसे यहां पर देखिएगा 1 से 50 तक की सारी डिजिट सारी संख्याओं का सारे नंबर्स का सम कैसे निकालेंगे, अभी आपको जो है दो या तीन मिनट में निकल के आ जाएगा। कैसे सम इक्वल टू अब हम 50 तक का निकाल रहे हैं, लास्ट वाला नंबर याद रखिएगा, या तो ये याद रखिएगा 1 से लेकर 50 तक कितने नंबर्स हुए 50 नंबर्स हुए, या केवल लास्ट का नंबर याद रख लीजिए। तो सम इक्वल टू n की जगह कितना है 50 है, ब्रैकेट में क्या है n की जगह 50 फिर रखना है पुट करना है प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज। अब ध्यान देंगे डिवाइड भी करना है कितने से 2 से डिवाइड करना है। सम इक्वल टू अब यहां पर देखेंगे 50 इंटू प्लस करेंगे 50 में 1 तो 51 हो गया, डिवाइड करेंगे 2 से,
सम इक्वल टू, अब जो है इनका मल्टीपल कर लेंगे किसका, 50 का और 51 का, 50 में 51 का मल्टीपल करेंगे, 10015 क्या 5 50055 क्या 25 0552। हाँ मल्टीपल करने के बाद जब हमने 50 और 51 का इंटू किया यानी मल्टीप्लाई किया तो 2550 कितना आया, 2550 डिवाइड करेंगे 2 से। अब आप इसको डिवाइड कर लीजिए, 2 divided 2550। अब 2550 जो हमारी डिजिट निकल के आई है, जो नंबर निकल के आया है उसमें 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 1 2, नेक्स्ट डिजिट लेंगे 5, 2 2 4, 5 में से 4 माइनस करेंगे 1, नेक्स्ट डिजिट लेंगे 5, 2 7 14, 5 में 4 निकालेंगे 1, ऊपर से ले लिया 0, 2 5 10, नीचे कुछ नहीं बचा था। हमारी जो आंसर निकल के आया कितना आया, सम निकल के आया 1275 हमारा जो है आंसर निकल के आ गया, अर्थात 1 से लेकर 50 तक जो हमारी क्रमागत संख्याएं हैं, 1 से लेकर 50 तक जो नेचुरल नंबर्स हैं उनका टोटल प्लस कितना आया, उनका सम कितना आया, उनका योग कितना आया, 1275। यहां फिर करेंगे 1275। इस तरह से हमने 1 से 50 तक जो डिजिट है, 1 से 50 तक जो हमारी काउंटिंग है उसका योग हमने निकाला, कितना आया 1275। और लास्ट में मैंने 100 को लिया है, 100 तक का कैसे निकालेंगे, 1 से लेके 100 तक की काउंटिंग का प्लस कितना होता है। अब आपसे कह दिया जाए तो बहुत देर तक जोड़ोगे, अगर इस फार्मूले में आप रख के निकालेंगे तो आंसर तुरंत आ जाएगा। कैसे निकालना है, इस फार्मूले में रखना है, कैसे रखना है, यहां पर रखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें वीडियो को। सम इज इक्वल टू, अब हमें निकालना, ध्यान देना है, 100 तक का निकालना है, 1 से लेके 100 तक कितने नंबर हुए, 100 नंबर हुए। लास्ट नंबर क्या है, 100 है। या तो आप लास्ट नंबर याद रखिए या तो टोटल नंबर याद रखिए। तो सम इक्वल टू एन की जगह क्या रखेंगे, 100, कितना आया 100 ब्रैकेट 100 प्लस 1, एन की जगह 100 रखेंगे, 1 आ गया, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 का, सम इक्वल टू 100 इंटू ये क्या हो जाएगा 101 डिवाइड करेंगे 2 का। ध्यान से देखिएगा, सम इक्वल टू, अब जो है मल्टीपल करेंगे, याद रखिएगा जब 100,000 का जब भी किसी डिजिट में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो उतने जीरो बढ़ा देना है, तो 101 में 2 जीरो बढ़ा दीजिए, 101 में 2 जीरो बढ़ा देंगे तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 से डिवाइड करना है। अब यहां पर हम इसको टेन में 2 का डिवाइड करेंगे, देखेंगे आंसर कितना आता है। अब डिवाइड करेंगे 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 5 10 माइनस करेंगे, कुछ भी नहीं बचा। अब 0 उतार कर यहां पर 2 डिजिट लेंगे, 2 डिजिट यहां से ले लेंगे, कितना है यहां पर 10 है, डिवाइड करेंगे 2 5 10 माइनस करेंगे, कुछ भी नहीं बचा, ऊपर से क्या बचा है 0 2 0 0। इस तरह से हमने जो है 10,100 में डिवाइड किया 2 का तो आंसर निकल के आया 5050, कितना आया 5050।
50। इस तरह से अब यहां पर फिल करेंगे 5050। इस तरह से हमें पता चल गया कि 1 से लेके 100 तक की काउंटिंग को, 1 से लेके 100 तक के नंबर को प्लस करेंगे तो योग कितना आया, सम कितना आया टोटल नंबर्स का, 5050। 1 से लेके 10 तक का कितना आया, 55। और 1 से लेके 20 तक का कितना आया, 210। तीसरा 1 से लेकर 50 तक का कितना आया, 1275। 1 से लेके 100 तक का सम कितना आया, 5050। तो इस तरह से आप जो है क्रमागत किसी भी संख्या का 1 से लेके 20, 1 से लेके 30 सभी का इस फार्मूले से आप जो है नेचुरल नंबर्स का सम निकाल सकते हो। कमेंट बॉक्स में आपको जो है 1 से लेकर 30 तक का सम कितना होगा, 1 से लेकर 30 तक नेचुरल नंबर्स का सम कितना होगा, वो आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। तो आज का वीडियो कैसे लगा दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने व्हाट्सएप ग्रुप फेसबुक पर शेयर करें ताकि सारे बच्चे सारे फ्रेंड्स इसे पहचान सके, इस सॉल्यूशन को कर सके। थैंक यू।